सरकार इसे पूरा गंभीरता से ले रही है और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहे। और वैसे भी मुकेश सहनी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और एक पार्टी के संस्थापक हैं, उस ख्याल से ये मामला और भी संवेदनशील है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ जिस वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की पिता का जिस तरह से हत्या की गई है, जिसके बाद बिहार की सियासत है वो काफी गर्मा गई है। तमाम विपक्ष है जो सरकार पर सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं और कहते हुए जा रहे हैं कि सरकार है जो अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं चल रहा है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी है, वो साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, प्रशासन को सख्त निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो अपराधी है उन्हें पकड़ा जाए। सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। जिस तरह से बात करें कि जो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की पिता की हत्या हुई, जिसके बाद राजनीतिक है वो काफी गर्मा गए। तमाम विपक्ष है जो सरकार पर हमलावर है, क्या कुछ करें जय कुमार चौधरी, पहले सुनने की बात। पिता का हत्या हुआ है, बिहार सरकार क्या कार्रवाई करेगी इसको? ये हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की रात हत्या हो गई है। यह अत्यंत ही दुखद घटना है और सरकार इसे पूरा गंभीरता से ले रही है और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहे। और वैसे भी मुकेश सहनी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और एक पार्टी के संस्थापक हैं, उस ख्याल से ये मामला और भी संवेदनशील है और सरकार और पुलिस इसे पूरी गंभीरता से और संवेदनशीलता से देखेगी और जांच कर जो भी सही दोषी होंगे, जो भी कातिल होगा, उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सुना बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि देखिए, प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिया गया है कि जो भी अपराधी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से बात करें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है, जिसके बाद सियासत काफी गर्मा गई है, जहां तमाम विपक्ष है जो सरकार को सीधा कहते हुए जा रही है कि सरकार से का जो इकबाल है वो खत्म हो गया है, सरकार अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चला पा रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं स्पीडी ट्रायल की मांग जो विपक्ष के नेता है वो कर रहे हैं और वहीं जो केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी वो भी कर रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल किया जाए। लेकिन जिस तरह से जो मुकेश सहनी के पिता की हत्या आज सुबह सवेरे हुई है, जिसके बाद सियासत में वो काफी गर्मा गई है, सीधा बिहार के विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए जा रहे हैं तमाम विपक्ष के लोग। और जिस तरह से जो हत्याएं हो रहे हैं उसको लेकर भी तमाम जो लोग हैं कहते हुए जा रहे हैं कि अब सरकार का जो इकबाल है वो खत्म हो गया है, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तमाम जो लोग हैं नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं। जिस तरह से बात करें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन के रूप में जाने जाते हैं और सुशासन के रूप में जाने जाते हैं, जब इस तरह की हत्या हो रही है तो साफ तौर पर सभी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब कहां गया सुशासन, जिस तरह से बिहार में लगातार हत्या हो रहे हैं। तमाम खबर न्यूज़ 4 के साथ, नमस्कार।